हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वलपा कोचिंग क्लासेस। ये एक और वीडियो क्लास 10th के लिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल। क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, देखो, नेचर में जो मेटल होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अकरेंस का मतलब नेचर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये है। और हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है, अकरेंस ऑफ मेटल, और उस मेटल को कैसे प्योर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो, मेटल नेचर में हो सकता है कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं? ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो नेचर में जो मेटल प्रेजेंट हो वो कंबाइंड स्टेट में। कैसा हो? कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है, हो सकता है कि कंपाउंड बना के रह रहा हो, फ्री स्टेट में ना हो। अभी जैसे अगर मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में है, वहीं पे अगर मुझे गोल्ड चाहिए तो गोल्ड नेचर में कैसा प्रेजेंट है? फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने कंबाइंड स्टेट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। और जो कंबाइंड स्टेट में होता है तो हो सकता है कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। कैसा प्रेजेंट हो? ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो क्या है, जो मेटल है आपका वो नेचर में इसमें से किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और इनमें से जो मेटल है इसको हमें एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। ठीक है, अगला है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट है हमारा जिसको भी हमें निकालना है, वो नेचर में जिन भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या? मिनरल्स। अच्छा, जो ये कंपाउंड्स होंगे, इन कंपाउंड्स में इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? इम्प्योरिटीज। तो कंपाउंड विद टुगेदर विद इम्प्योरिटीज क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जो मिनरल्स हैं, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो है कि नेचर में जो भी जिस भी कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसे हम मिनरल कहेंगे। जैसे देखो, माइन ए है, इसमें कुछ मतलब 700 फीट पे 50% का जो भी आप 50% पे गए, मतलब 700 फीट की गहराई पे गए और आपको कुछ मिनरल मिला, वो भी कितना? 50%। ठीक है, अच्छा दूसरा है माइन बी है। माइन बी मतलब माइंस क्या होते हैं? माइंस वो होते हैं जहां से हम उस कंपाउंड को निकालते हैं, उसे माइंस कहते हैं। अब दूसरा है क्या है, जो माइन बी है वो क्या है, 1000 फीट पे है, और मान लेते हैं कि वहां पे कितना है, 95% पे है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस माइंस की क्या की जाती है, उस माइंस से उन कंपाउंड्स को निकाला जाता है। ठीक है, अब एक और माइन है, जैसे माइन सी है, जो कि 800 फीट की गहराई पे है और वहां पे जो आपका मिनरल प्रेजेंट है वो लगभग 80% मिनरल प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें मिनरल से बनाना, मतलब मिनरल्स से हमें चाहिए ओर। अब ओर्स क्या होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स उन मिनरल्स को कहते हैं जिनसे हम अपने एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी मिनरल्स से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मगर जिन भी मिनरल्स से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं ओर। ठीक है, अगला जो टर्म है हमारा गैंग। गैंग क्या होता है? जब देखो, जब आप क्या करोगे, जब आप मेटल को कंपाउंड फॉर्म में लेके आओगे तो हो सकता है कि उस कंपाउंड में कुछ इम्प्योरिटीज हो, उन इम्प्योरिटीज को कहते हैं गैंग। ठीक है, अच्छा अगला है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कंपाउंड में से उस मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम मेटलर्जी। ठीक है,
अच्छा मेटलर्जी में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ गैंग, मतलब हमें क्या करना है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। दूसरा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। और अगला क्या है, अगला प्रोसेस है रिफाइनिंग। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना ये शो चार्ट को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, मिनरल। जरूरी नहीं कि सारे मिनरल्स से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन जिन मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओर। क्या कहते हैं हम उन्हें? ओर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी ओर होगा उसको प्योरीफाई करना होगा, मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज को हमें हटाना होगा। जब हम उनमें से इम्प्योरिटीज को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। अच्छा अब आप जिस भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिस भी मेटल को मतलब प्योरीफाई फॉर्म में, प्योर फॉर्म में निकाल रहे हो, वो डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, और रिएक्टिविटी के हिसाब से ही हम उसमें अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बहुत हाई रिएक्टिविटी वाला हो। कैसा हो? हाई रिएक्टिविटी वाला हो, जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तो बहुत रिएक्टिव है। अब अकेले तो नहीं पाए जा सकते, ये भी कंपाउंड के फॉर्म में होगा, तो कंपाउंड के फॉर्म में से हमें इन्हें निकालना पड़ेगा। और अगर हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है तो हम उसे किस प्रोसेस से निकालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस से हम उसे प्योर फॉर्म में निकाल सकेंगे। ये किसके लिए, ये वाला जो मेथड है ये किसके लिए, ऐसे मेटल्स के लिए जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। दूसरा है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब ऐसे मेटल्स जो ना कि ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ऐसे भी नहीं कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, ऐसे भी नहीं। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मीडियम रिएक्टिविटी, ना ही ज्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव। ठीक है, उनके लिए क्या होगा, देखो इनके जो ओर्स हैं हो सकता है कि वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट हो नेचर में, और ऐसा भी हो सकता है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट हो ऑक्सीजन में, सॉरी नेचर में। अब कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर का हम क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर का तो हम करते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर का हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है। तो सल्फाइड ओर का हम रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट ओर का हम कैल्सिनेशन करेंगे। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके मिलेगा हमें मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, किससे, कार्बन से करेंगे, और हमें मिल जाएगा क्या, इम्प्योर मेटल। क्या मिलेगा बेटा, हमें इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। अब जो ये हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा, जो हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा, इसे इसकी हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, और रिफाइनिंग करके हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो लो रिएक्टिविटी वाला है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिविटी है जिसकी, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्रोसेस क्या है। जनरली ये हमारे पास सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सल्फाइड ओर का हम करते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग करके हमें मिलता है इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल का हम क्या करेंगे बेटे, इम्प्योर मेटल का हम करेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करके हमें मिल जाएगा क्या, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये जनरली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कौन कौन सी हमें प्रोसेसेस फॉलो करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को ही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग 30-40% ये वाला टॉपिक आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या है, पहले हमने क्या निकाला, मिनरल निकाला, मिनरल का उन्हीं मिनरल्स में से जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे उसे बोलेंगे हम ओर। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ओर प्योर फॉर्म में हो, ओर में हो सकता है कि इम्प्योरिटीज है, तो उन इम्प्योरिटीज को हम हटाएंगे, तो इम्प्योरिटीज को हटाने का प्रोसेस कहलाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर।
अब जो आप मेटल निकाल रहे हो, अब डिपेंड करता है कि भैया वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कि बहुत कम रिएक्टिव। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसके लिए हम अलग प्रोसेसेस यूज करेंगे, कम रिएक्टिव वाला उसके लिए अलग, और जो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी उसके लिए अलग। जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा उसको तो हम सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे उसमें क्या है, जनरली जो हमें कंपाउंड, जनरली जो हमें ओर्स मिलेंगे वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। कार्बोनेट का हम करते हैं कैल्सिनेशन, तो सी से याद रखेंगे, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट का हम करेंगे कैल्सिनेशन, सल्फाइड का हम करेंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके हमें मिलता है ऑक्साइड। क्या मिलता है बेटा, ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, हमें मिल गया ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड मिला, इसको इसका क्या किया हमने, रिडक्शन किया, कार्बन का यूज करके इसका रिडक्शन किया, हमें मिल गया इम्प्योर मेटल। अब जो ये हमें इम्प्योर मेटल की मिला है, इसकी हम रिफाइनिंग करेंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये वो एलिमेंट थे जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है। अब ऐसा भी होगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, तो जनरली उसमें आपको मिलते हैं सल्फाइड के ओर्स। कौन से मिलते हैं, सल्फाइड के ओर्स मिलते हैं। सल्फाइड के जो ओर्स होंगे इनकी रिएक्टिविटी मतलब ज्यादा नहीं होगी, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्योर मेटल में सिंपली रोस्टिंग करके। रोस्टिंग करके इम्प्योर मेटल मिलेगा, फिर रिफाइनिंग करेंगे प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये हमने जो डिस्कस किए अभी, ये क्या थे बेटा, ये जनरल स्टेप्स थे। ठीक है, अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मीडियम मीडियम रिएक्टिविटी। मतलब हम अभी ऐसे एलिमेंट को निकालेंगे जिसकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, जिसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट हैं ये इनकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा है, और जितने भी एलिमेंट नीचे की तरफ हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है कम है। जो ऊपर वाले हैं इनके, इनको हम सिंपली करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलिसिस से। और जो सबसे नीचे वाले हैं इनका करते हैं हम कैसे, इनका हम रोस्टिंग, अगर सल्फाइड ओर है तो हम उसके रोस्टिंग करके इम्प्योर मेटल मिलेगा हमें, और इस इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, प्योरीफाई कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम मीडियम रिएक्टिविटी वाले देखेंगे तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हमें सल्फाइड मिल सकता है और कार्बोनेट मिल सकता है। तो अभी देखो, सल्फाइड का भी हमें क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, और कार्बोनेट का भी हमें क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। और कैसे करना, दोनों को ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। ठीक है, सल्फाइड ओर का हीटिंग किया जाता है रोस्टिंग से, वहीं पे कार्बोनेट का किया जाता है किससे, कैल्सिनेशन से। अब रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है कि भैया आपने क्या किया, ओर को लिया और उसे हीटअप कर दिया। क्या कर दिया बेटे, उसे हीटअप कर दिया। कैसे किया, इन एक्सेस ऑफ एयर में, मतलब आपके पास जो एयर है ये कैसी है, एक्सेस में, एक्सेस में। ठीक है, तो इसको कहते हैं रोस्टिंग। अगला है, जैसे जैसे आपके पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड के साथ हमने मिलाया ऑक्सीजन और हमें मिल गया क्या, जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर सल्फाइड के ओर से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो कार्बोनेट ओर होता है, कार्बोनेट ओर का हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में हम रोस्टिंग मतलब हीटिंग कर रहे होते हैं विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, मतलब एयर को हमने क्या कर देना, लिमिट कर देना। जैसे आपने देखो रोस्टिंग सुना आपने, मतलब आप किसी चीज को रोस्ट कर रहे हो पकाते समय, तो क्या करते हैं हम, सिंपली उसको ऐसा करते हैं और आग में रख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। वहीं पे अगर आप किसी खाने को बना रहे हो, आपने उसे ढक दिया, तो वो पकेगा कितने में, जितने इसके अंदर एयर अवेलेबल होगी। तो हमने वहां पे क्या कर दिया बेटे, हमने वहां पे एयर को लिमिट कर दिया, मतलब कंडीशन लगा दी कि भैया इससे ज्यादा और एयर अवेलेबल नहीं है, तो वो कहलाता है बेटे, वो कहलाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में करते हैं, और रोस्टिंग में हमारे पास जो एयर होती है वो एक्सेस अमाउंट में होती है। जैसे हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इसको अगर हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो सल्फर है, सल्फाइड का ओर है वो सल्फर डाइऑक्साइड देता है, कार्बोनेट का ओर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अच्छा, दोनों मेथड से हमने क्या किया, दोनों मेथड से हमने ऑक्साइड बनाया। अभी जैसे देखोगे तो जिंक वाले में, जिंक सल्फाइड से भी हमने जिंक ऑक्साइड बनाया,
और ये कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से भी हमने ऑक्साइड बनाया। तो हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज करके एक्चुअली बनाया क्या है बेटे, हमने बनाया है ऑक्साइड, बनाया है क्या, बनाया है ऑक्साइड। तो जैसे अभी आपको पहले डिस्कस किया था कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर करना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है भैया हमारे पास जो सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर होंगे, कार्बोनेट सी से कैल्सिनेशन, सल्फाइड का रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, दोनों से मिल जाएगा हमें क्या, ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे इस वाले में हमें ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो अच्छा अभी जो हमारे पास जो ऑक्साइड मिलेगा उसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करके हमें मिल जाएगा क्या, इम्प्योर मेटल। ठीक है, अब जो रिडक्शन है, देखो रिडक्शन किस कैसे कैसे कर सकते हैं, सुनिए। या तो हम कार्बन से रिडक्शन कर दें, किससे कर दें, कार्बन से, या फिर हम क्या करें, या फिर हम कोई ऐसा एक्टिव मेटल यूज करें रिडक्शन करने के लिए। क्या यूज करें, एक्टिव मेटल को यूज कर दें रिडक्शन करने के लिए, कार्बन से कर दें, या फिर हम कभी कभी एक्टिव मेटल्स को यूज करते हैं किस चीज के लिए, रिडक्शन करने के लिए। क्यों यूज करते हैं अभी आगे देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन मिलाया और हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अभी अगर हाई रिएक्टिविटी वालों को देखेंगे, जैसे MnO2 है। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ एल्यूमिनियम यूज करूं तो देखो क्या होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, एल्यूमिनियम कहां से आता है, एल्यूमिनियम कहां आता है, Mn से ऊपर आता है, आता है ना एल्यूमिनियम। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करिए, देखो Al ऊपर है, Mn नीचे है। और आपने पढ़ा था कि भैया जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। ठीक है, तो Al आएगा, Al क्या करेगा, Mn को इसकी पोजीशन से हटा देगा और खुद जाके उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, देखो MnO2 इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर टू फॉर्म मैग्नीज विच इज इन मोल्टन स्टेट। हमने क्या किया, एल्युमिनियम को यूज किया MnO2 के साथ, और Al ने Mn को उसकी पोजीशन से हटा दिया और क्या दे दिया, मैग्नीज दे दिया, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड दे दिया। ठीक है, और हीट भी दी। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको हम आगे यूज भी करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, देखिए अभी दिखाते हैं आपको कहाँ यूज किया जाता है इसे। देखो कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और अ क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। मान लेते हैं कि भैया कहीं पर रेलवे ट्रैक में क्रैक आ गया है, या कोई मशीन पार्ट है उसमें क्रैक आ गया, उसको हमें जोड़ना है। ठीक है, अब देखो रेलवे ट्रैक बहुत बड़ा है भैया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि उतने पार्ट को उठा के लेके जाएंगे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इनमें से प्रोसेस, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। जनरली उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग यूज किया जाता है। अब थर्माइट वेल्डिंग में होता क्या है ये सीखते हैं, अभी देखते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड के साथ हमने एल्यूमिनियम मिलाया, तो देखो Al ने क्या किया, Fe को उसकी पोजीशन से हटा दिया और खुद जाके उसकी पोजीशन पे जाके एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो देखो Al ज्यादा रिएक्टिव था Fe से, तो Al Fe को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करने में क्या हो गया, कैपेबल हो गया, उसने हटा दिया। अच्छा, जो ये प्रोसेस आपको दिख रही है इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है। अब जो ये हीट जनरेट होती है ये क्या करती है, जो हमें मेटल मिला है उसको मेल्ट कर देती है, मोल्टन फॉर्म में बना देती है। अच्छा, जो ये हमने रिएक्शन लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं बेटा, यही है हमारी थर्माइट रिएक्शन। जैसे आप देखो रेलवे ट्रैक में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या किया, हमने यही प्रोसेस यूज किया, और हमारे पास जो यहाँ पे आयरन मिला ये कैसा मिला बेटा, ये जो आयरन मिला हुआ है ये है मोल्टन स्टेट में। अब ये क्या होगा कि जहां पे क्रैक्स होंगे वहां पे फिलअप हो जाएगा और ज्वाइंट बन जाएगा। देखो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसे थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन, अभी जैसे बताया भी नहीं था मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए हम थर्माइट वेल्डिंग यूज करते हैं, और थर्माइट वेल्डिंग में यही रिएक्शन यूज हो रहा था जो अभी हमने जस्ट देखा था। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है,
उनके लिए क्या करेंगे भाई? देखो, जो लो रिएक्टिविटी वाले होंगे वो जनरली कौन कौन से होंगे? सिल्वर, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। सम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कुछ ऐसे रिएक्टिव, कुछ ऐसे लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे आपका मरकरी हो गया, कॉपर हो गया। इनकी रिएक्टिविटी कम है, लेकिन ये पाए कैसे जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर कॉपर को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, किसको करना हो? कॉपर को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, हम उसका सल्फाइड ओर लेंगे। जनरली यहाँ पे जो लो रिएक्टिव वाले होंगे उनका हम सल्फाइड ओर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसका इसको इसके साथ हमने मिलाया क्या? ऑक्सीजन, और उसे हीटअप कर दिया। तो ऑक्सीजन मिला के हीटअप करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रोस्टिंग। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर रोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। रोस्टिंग हुआ, और रोस्टिंग में यहां पे बन गया क्या? कॉपर ऑक्साइड। देखो, कॉपर ऑक्साइड बना है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना कि सल्फाइड से मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बोनेट ओर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लो रिएक्टिव था, जैसे कॉपर लो रिएक्टिव था, इसका हमने रोस्टिंग किया और हमें मिल गया ऑक्साइड। क्या मिला हमें? ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको फिर से हमने मिलाया कॉपर सल्फाइड के साथ और उसे हीटअप कर दिया। मतलब जो जो भी कॉपर ऑक्साइड था जो मिला था, वहां पे जब सल्फाइड की प्रेजेंस में आएगा, क्योंकि भैया सल्फाइड तो हम यूज कर ही रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने सल्फाइड लिया, उसको हीटअप करने लग हीटअप किया था, तो हमारे पास सल्फाइड तो था ही। तो जो ऑक्साइड मिला, देखो जो ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड ने ये जो ऑक्साइड मिला, देखो ये ऑक्साइड था, ये जो वहां पे प्रेजेंट पहले से सल्फाइड था उसके साथ हीटअप हुआ ये, और हीटअप होने के बाद इसने क्या दे दिया? कॉपर दे दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। जैसे मरकरी का सल्फाइड होता है HgS। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? सिनाबर। क्या बोलते हैं? सिनाबर बोलते हैं, CINNABR, सिनाबर बोलते हैं। इसको भी इसका भी हमने क्या किया? रोस्टिंग किया। रोस्टिंग करने पे मिल गया ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑक्साइड बना हुआ है, देखो जो ऑक्साइड बना हुआ था, ये क्या करेगा? इसको फिर से हीटअप करेंगे, मिलेगा क्या हमें? मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी जितने भी हमने प्रोसेसेस पढ़े, इनमें हमें कैसा कैसा मिल रहा है? इसमें से हमें मिल रहा है इम्प्योर। तो अब इम्प्योर, जैसे अभी लो रिएक्टिविटी वाला पढ़ा और मीडियम रिएक्टिविटी वाले पे पढ़े, इनसे हमें जनरली कैसे मिल रहे हैं? जनरली इम्प्योर मिल रहे हैं। तो अभी उसे हमें क्या करना? प्योरीफाई। और प्योरीफाई करने का प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है रिफाइनिंग, ठीक है। तो जो ये इम्प्योर मेटल मिला हुआ है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, इन्हें हमें हटाना पड़ेगा। और यूज करते हैं हम इम्प्योरिटीज हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या हमारे पास? देखो ये था, देखो ये क्या है, हमने एक बीकर ले रखा है और इसमें हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, मतलब एक सोल्यूशन लिया हुआ है। जनरली हम यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो जिस मेटल की रिफाइनिंग करोगे आप, उसका इलेक्ट्रोलाइट लोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सल्फाइड का इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये है प्योर कॉपर। मतलब हमने क्या करना है? थोड़ा सा प्योर कॉपर लेना और उसको बना देना कैथोड। ध्यान रखना, कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, और ये जो दूसरा वाला है ये क्या है? एनोड। एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा होगा, अब जरा ध्यान से देखो। हमने यहां से पास करवाया इलेक्ट्रिसिटी। क्या कराया हमने? यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया यहां से। अब जो देखो क्या होगा, जो ये इम्प्योर कॉपर है उसको हमने क्या बना रखा है? उसको हमने एनोड बना रखा है बेटा। जो इम्प्योर कॉपर है उसको हमने क्या बनाया हुआ है? उसको हमने एनोड बनाया हुआ है। अब जो ये एनोड है, इससे क्या हो रहा है? इससे आयंस डिजोल्व होते जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें डिजोल्व होते जा रहे हैं? इस इलेक्ट्रोलाइट में। देखो Cu2+ आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है? वो एक्चुअली यहां डिजोल्व हो रहा है और फिर यहां से इस इलेक्ट्रोलाइट से होता हुए इस कैथोड पे जा रहा है।
अब क्या होगा, जैसे जैसे वो डिजोल्व होने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होने लगेगा, तो वो जो वहां पे इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज भी क्या होने लगेगी, नीचे सेटल डाउन होने लगेगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इम्प्योरिटीज कहाँ जा रही हैं, नीचे सेटल डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिस मेटल को हम प्योर कर रहे हैं उसी का हमें कैथोड बनाना है। अब ये जो कैथोड है इस पे क्या हो जाएगा, जब वो इम्प्योर आता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में आता रहेगा, ठीक है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठे रहेंगे, उसके आयंस कैथोड पे जाते रहेंगे और धीरे 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 कैथोड का साइज क्या होने लगेगा, कैथोड का साइज इंक्रीज होने लगेगा, थोड़ा सा थिक होने लगेगा। ठीक है, जैसे ये जो नीचे इम्प्योरिटीज बैठी हुई, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एनोड मड कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, जो हाई रिएक्टिविटी वाले थे, हाई रिएक्टिविटी वाले के लिए हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए हम सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होंगे उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या है भैया, आपने ये बहुत अनडिजायरेबल प्रोसेस है या फिर अनडिजायरेबल फिनोमेना, हम नहीं चाहते कि भैया ये फिनोमेना हो, तब भी हो रहा है। जैसे ये दिख रहा होगा कि जंक लग रहा है, क्या चाहते हो आपकी जंक लगे, जंक नहीं लगे, नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या करता है, ये मेटल को खराब कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को खराब कर देता है, तो हम नहीं चाहते भैया ये जंक लगे। ठीक है ना, तो ये अनडिजायरेबल होता है बेटा। कैसा होता है ये, अनडिजायरेबल। ठीक है, जैसे सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। देखो, जब सिल्वर आर्टिकल को भी जैसे हम कुछ समय के लिए एयर में रखेंगे तो वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है, काला काला होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसका एक्चुअली क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसे देखो ये जैसे सिल्वर का आर्टिकल था, देखो पहले देखो कैसा था, सिल्वर था, फिर बाद में थोड़ा सा कैसा हो गया, थोड़ा सा काला पड़ गया ये। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर में भी क्या हो रहा होता है बेटे, ग्रीनिश सब्सटेंस जम जाता है उसके सरफेस पे। क्यों, क्योंकि इसका भी क्या हो रहा होता है कि जब एयर के कांटेक्ट में आता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे देखो, जैसे ये चेने हैं और जो ये गियर्स हैं, इसमें भी देखो क्या लग रखा है, जंक लगा हुआ है, ये भी क्या है, कोरोजन है। ठीक है, जब आयरन का जब कोरोजन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रस्टिंग। रस्टिंग में एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि अगर आपने आयरन को बहुत लंबे समय तक एयर या फिर मॉइस्ट एयर या एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दिया, क्या किया, एयर या वाटर के कांटेक्ट में अगर कुछ टाइम तक छोड़ दिया तो उस पे एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस लगने लग जाता है। उस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, रस्ट, और इस फिनोमिना को कहते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की कंडीशन क्या होती है, देखो यहां पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, ये देखो, देखो सभी में क्या था, तीन हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इन सभी टेस्ट ट्यूब में क्या कर रखा है, देखो एक आयरन की नेल है, देखो ये दिख रही है ना, तीनों टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल, यहां पे एक, यहां पे और यहां पे, इसमें यहां तो पानी है, इसमें एयर है, यहां पे भी पानी है, एयर है, यहां पे भी क्या है, पूरे में ड्राई एयर है। ठीक है, तो देखो, और नीचे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बीच में हमने ऑयल डाल रखा है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ऑयल डाल रखा है। अब क्या होगा, अब इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो कुछ समय के लिए हमने इसे छोड़ा, तो देखो इसमें जो ये जो पहले वाली जो आयरन की नेल है, जो ये आयरन नेल, इसमें देखो इस पे एक सरफेस पे रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है, और ये क्या है, रस्टिंग। अच्छा, ये कब हुआ, इन तीनों केसेस में क्या हो रहा था कि पहले में पानी था, एयर था, एयर और पानी के कांटेक्ट में आके उस पे रस्ट हो गया, उसकी रस्टिंग हो गई। दूसरे वाले में क्या था, एयर और वाटर था लेकिन बीच में ऑयल डाल रखा था, ऑयल ने क्या किया, एयर के साथ कॉन्टेक्ट काटा तो उसमें रस्टिंग नहीं हो पाया, और तीसरे वाले में तो वाटर था ही नहीं। ठीक है, अगला है कि मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग,
या कोरोजन, कोरोजन को या फिर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एक मेथड होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या हो रहा होता है कि जो आपके पास जिंक हो गया या फिर जो जिंक है, इसकी क्या करते हैं, इसकी हम आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, स्टील हो गया या फिर आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा ये देखो, इसमें भी क्या कर रखा है, इसके ऊपर कोटिंग कर रखी। कोटिंग करने से क्या हो रहा होगा कि जो एयर है उससे कांटेक्ट कट जाएगा, और एयर के कांटेक्ट, एयर से कांटेक्ट कटने की वजह से क्या होगा बेटा, एयर से कांटेक्ट कटने की वजह से फर्दर रस्टिंग या फिर फर्दर कोरोजन नहीं हो पाएगा। अगला है अलॉयिंग। अलॉयिंग क्या होता है, सुनो, हम मान लेते हैं कि मेरे को एक ऐसा मेटल चाहिए जो गुड कंडक्टर भी हो और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। बात समझ रहे हो, क्या है, एक ऐसा मेटल चाहिए मुझे जिसका स्ट्रेंथ अच्छा हो और जिसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो। लेकिन सारे के सारे मेटल्स तो ऐसे नहीं हो सकते, हो सकता है कि किसी की कंडक्टिविटी अच्छी हो, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या, इसमें जो भी मेटल ऐसा है कि जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और जो मेटल ऐसा होगा जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, हम उनको क्या करेंगे, एक प्रॉपर रेशियो में मिलाएंगे। और प्रॉपर रेशियो में मिलाने का जो प्रोसेस कहलाता है उसको ही कहते हैं क्या, एलॉइंग। क्या कहते हैं बेटा उसे, एलॉइंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉयज देखो जी, क्या है, देखो जैसे ब्रास, ब्रास के आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे। तो ब्रास किस चीज का होता है एलॉय, कॉपर का और जिंक का एलॉय होता है ब्रास। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किस चीज का होता है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, अगला है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील देखो किस चीज का बना होता है, आयरन का बना होता है, निकल का बना होता है, क्रोमियम का। मतलब हमने आयरन, निकल और क्रोमियम को क्या किया, अलग अलग परसेंटेज में यूज कर दिया और हमें मिल गया क्या, स्टेनलेस स्टील। देखो इसमें आयरन है, लेकिन आयरन खाली अकेला आयरन नहीं है, और भी एलिमेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं। जब हमने इनमें और भी एलिमेंट्स यूज किए तो इसकी रस्टिंग नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई बेटे, रस्टिंग नहीं हो पाई इसकी। ठीक है, तो रस्टिंग से भी, और अच्छी बात यह है कि ये हार्ड भी होता है, स्टील भी कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और रस्टिंग से भी बच जाता है। अच्छा, अगर हमने एक एलिमेंट मरकरी यूज कर दिया, क्या यूज किया, अगर हमने एक एलिमेंट मरकरी यूज कर दिया तो उसका एलॉय क्या कहलाता है, उसको कहते हैं एमलगम। क्या कहते हैं उसको, एमलगम कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बाकी जगहों पे भी यूज किया था, कहीं पे कॉपर और कुछ और यूज कर रहे थे, आयरन और कुछ और यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हमने बाय चांस वहां पे एक एलिमेंट मरकरी को यूज कर दिया तो उसका एलॉय एमलगम कहलाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग हो रखी है। ठीक है, तो देखो जो प्योर मेटल होगा उसके कंपैरिजन में जो कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये पूरी तरीके से वो तो है ही नहीं। जैसे कॉपर है, कॉपर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम खाली कॉपर ही कोई तो यूज नहीं कर रहे हैं, कॉपर के साथ कुछ और भी तो यूज कर रहे हैं ना। तो जब हम कॉपर के साथ कुछ और यूज कर रहे हैं तो वो जो दूसरा एलिमेंट यूज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी तो आएंगी, और जो दूसरा एलिमेंट यूज किया तो उसमें गुड कंडक्टर है नहीं, इस वजह से जो एलॉय होता है उसकी कंडक्टिविटी प्योर से थोड़ा कम होती है। अगला है प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड। देखो जो हम गोल्ड यूज करते हैं जिसे प्योर गोल्ड कहते हैं वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन मार्केट में आपको 24 के अलावा 22 वाला भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली जो 22 वाला मिलेगा वो एलॉय के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जैसे 22 वाले में क्या होता है, 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड होता है और 2 पार्ट क्या होता है, कॉपर और सिल्वर का होता है। प्योर तो नहीं है ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। और यहीं पे हमारा मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th के लिए कंप्लीट होता है। अगले अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।